हाय गाइस, इस ट्यूटोरियल में हम लोग जानेंगे कि कैसे हम लोग विड्थ फंक्शन और प्रिसीजन फंक्शन दोनों फंक्शन को एक साथ यूज़ करके अपने आउटपुट को फॉर्मेट कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ मैंने सिंपली एक फ्लॉट डेटा टाइप में ए एक वेरिएबल लिया, जिसका मैंने वैल्यू असाइन किया है 51.1204। सीआउट प्रिसीजन फंक्शन को कॉल किया है मैंने। यहाँ मैंने इसका साइज दिया हुआ है 4, यानी कि 4 नंबर ये प्रिंट करेगा। सीआउट ए यानी कि ए हमें आउटपुट में दिखाई देगा, ठीक है, इस प्रिसीजन के साथ। उसके नीचे मैंने विड्थ सेट किया है इसका 7, और फिर प्रिसीजन भी सेट किया है 4, और यहाँ सी आउट किया, यानी कि ये जो आपको आउटपुट दिखाई देगा ये प्रिसीजन 4 के साथ दिखाई देगा, और ये जो आउटपुट आपको दिखाई देगा ये विथ 7 और प्रिसीजन 4 के साथ आपको दिखाई देगा। ओके, तो दोनों का मैंने यहाँ यूज़ किया है इस स्टेटमेंट में। ओके, ये जो कोड दिख रहा है आपको, ये यहाँ मैंने दोनों का इस्तेमाल किया है, और इसमें आपको सिर्फ प्रिसीजन का दिखेगा। तो दोनों में डिफरेंस क्या है ये आपको साफ साफ नज़र आएगा। ओके, तो चलिए इसको रन करते हैं और देखते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या। देखिए, पहला वाला जो है वो प्रिसीजन 4 है, तो यहाँ 1, 2, 3, 4, तो ये 4 नंबर्स को ये इसने प्रिंट कर दिया। ये सिंपली हम लोग प्रिसीजन का फंक्शन का वर्क जानते हैं, तो उस बेस पर काम कर रहा है। और विड्थ का क्या, विड्थ में 7 लिखा हमने, जब हम लोगों ने इसको 7 लिखा तो ये इस तरीके से 7 बॉक्सेस क्रिएट करता है, कॉलम्स क्रिएट करता है, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। ये राइट साइड से लिखना शुरू करता है, विड्थ का हम लोग जानते हैं कि राइट जस्टिफाइड होता है, तो यहाँ 2 यहाँ से लिखना शुरू करता है, 2, 1.1 और 5। और यहाँ आप देख पा रहे हैं यहाँ जो ब्लैंक है एक्चुअली 2 बॉक्सेस का ब्लैंक है। ओके, सो ये और ये ब्लैंक रहता है। इस तरीके से आप दोनों ही चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर आपको कहीं अगर ऐसा फॉर्मेट की आवश्यकता पड़ती है तो। ओके, सो ऐसा फॉर्मेट की हमें आवश्यकता कहाँ पड़ती है, चलिए इसको एक बार देख लेते हैं। ये तो मैंने सिंपली आपको दिखाया कि आप इस तरीके से इसको फॉर्मेट कर सकते हैं, इस तरीके से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका एक्चुअली में वर्क देख लेते हैं एक, कि किस तरीके से हम लोग इसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ मैंने इसको डिवाइड किया है 22/7। ओके, और आई एक मैंने इंटीजर आई लिया है, इसके लूप में रन कर सकूँ। यहाँ मैंने विथ को लिखा हुआ है i+1, यानी कि i अगर 1 है तो विड्थ कितना होगा, 2, यानी कि 2 बॉक्सेस क्रिएट होंगे। प्रिसीजन मैंने सेट किया है i के अनुसार, यानी कि 1 है तो यहाँ भी 1 होगा। और इस तरीके से a का हमें वैल्यू निकलेगा, a का वैल्यू क्या होगा, 22/7। ओके, सो इसको अगर हम रन करें तो हमें आउटपुट दिखाई देगा। देखिए यहाँ 3.10, 3.14, इस तरीके से हम लोग बेसिकली जब हम लोग प्राइस लिखते हैं तो इस तरीके से आउटपुट की आवश्यकता पड़ती है कि पॉइंट एक जगह हो और बाकी ये जो मतलब लेफ्ट जस्टिफाई होना चाहिए, राइट जस्टिफाई होने के बजाय पॉइंट एक जगह होना चाहिए, इस तरीके से हम लोग कुछ आउटपुट पसंद करते हैं। यहाँ आपको एक 3 दिख रहा होगा उसके ऊपर में, ये 3 एक्चुअली 3.0 होता है, लेकिन 3.0 यहाँ ये जो 0 प्रिंट नहीं करता, प्रिसीजन 0 प्रिंट नहीं करता। तो 0 कैसे हम लोग प्रिंट कर सकते हैं ये भी हम लोग आगे आने वाले वीडियोस में देखेंगे कि कैसे हम लोग इसको और बेहतर बना सकते हैं इस फॉर्मेट को। ओके, तो इस तरीके से आप विड्थ और प्रिसीजन दोनों का यूज़ कर सकते हैं अपने फंक्शन में। आई होप कि ये क्लियर है। थैंक्स वॉचिंग दिस वीडियो।